हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में क्या सीखने वाले हैं, क्या नया है? देखिए, हम टैली प्राइम की मेन विंडो पे हैं। ये गेटवे ऑफ टैली टैली प्राइम की मेन विंडो है। और यहां से आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा क्रिएट का। ये टैली प्राइम 2.0 मैं यूज कर रहा हूं। क्रिएट पे चले जाइए और आपको क्या बनाना है, हमें बनाना है स्टॉक आइटम। हम अभी स्टॉक आइटम की ही बात करेंगे, तो ये स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो स्टॉक आइटम पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टॉक आइटम पे आ गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम शुगर नाम से एक स्टॉक आइटम बना रहे हैं, तो ये शुगर कर दिया हमने। ठीक है, और एंटर प्रेस किया, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अगर क्या होगा कि आप यूनिट ही ना बनाए, यूनिट नहीं बनाएंगे तो क्या गलती हो जाएगी? और क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें यूनिट की जरूरत ना पड़े? अगर आप यूनिट की जरूरत नहीं समझते, हालांकि यूनिट की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, अगर आप यूनिट की जरूरत नहीं समझते हैं तो भी आप यूनिट जरूर बनाइए, बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर यूनिट ना बनाए तो क्या होता है वो दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आ गए, यहां पर एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने। ठीक है, अब ये एक हमने शुगर नाम से स्टॉक आइटम बना लिया है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, और यहां पर देखिए, ये आ गए, यहां से परचेस वाउचर में चलते हैं। ठीक है, और यहां पर कुछ सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर आ जाइए और यहां पे मैं कैश ही कर देता हूं। ठीक है, कैश का लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कैश का लेजर पहले से बना बनाया होता है। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दीजिए, यहां पर आइए, परचेस अकाउंट का लेजर लगा लीजिए और यहां पर वो स्टॉक आइटम ले लीजिए, शुगर था। शुगर जैसे ही आप लेंगे तो क्वांटिटी में नहीं जाएगा, देख रहे हैं, क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है। अगर आप केवल कीमत लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि यहां 600 का चीनी हो गया। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अगर फिर कोई दूसरा स्टॉक आइटम है, लाइक मैं यहाँ पे राइस कर देता हूं, मैं यहाँ पे फिर स्टॉक आइटम बना रहा हूं वर्ड सी प्रेस करके, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं राइस, RICE, राइस कर दिया। ये ऐड तो करेगा, देखिए यहां पर राइस कर दिया मैंने, और यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी यूनिट बनाने की, तो यहां पर यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंबल कर देते हैं केजी। ठीक है, अगर आप यूनिट नहीं बनाते, ये तो यूनिट बनाने की बात होगी, लेकिन हमें तो यूनिट ही नहीं बनाना है, तो क्यों हम यूनिट बनाने जाएं? इसको छोड़ देते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो डायरेक्टली कर्सर यहां आ गया, तो 700 की आपने चावल खरीद लिया। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को ये ऐड कर दे रहा है। क्या इस पे भी जीएसटी पॉसिबल है? जीएसटी मैंने एक्टिवेट कर रखा है, अगर आपने नहीं एक्टिवेट किया तो एफिलिएट करके और यहां से आप जीएसटी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं, वाई प्रेस करिएगा, एंटर प्रेस करिएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा और यहां पर आप जीएसटी एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर सेट अल्टर ऑब्लिक जीएसटी डिटेल, इसको आपको यस करना है और बाकी सारी चीजें आप एक्टिवेट इसी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं ताकि एक्सेप्ट हो जाए। अब यहां पर मैं जीएसटी लगा रहा हूं, तो सी जीएसटी का लेजर मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो देखिए इस पे जीएसटी भी कैलकुलेट हो जा रहा है। तो कभी अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती हो कि आप यूनिट नहीं बनाना चाहते तो आप बिना यूनिट बनाए भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली यूनिट बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कर देता हूं एसजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी भी हो गया, एसजीएसटी भी हो गया, इन दोनों को अब यहां पर जाकर के यहां पर नरेशन भी डाल सकते हैं आप, एंटर प्रेस कर दीजिए। फिलहाल नरेशन छोड़ते हैं और अब यहां पर आएंगे तो यहां पर हम अपना जो हमने एंट्री पास की है उसको देख लेते हैं, इसका प्रिंट आउट कैसा आ रहा है। तो ये देखिए, ये प्रिंट आउट है इसका, आई बटन प्रेस कर लेंगे तो वो दिखाई भी देगा आपको। तो ये आपका प्रिंट आउट है जिसमें क्वांटिटी दिखेगी नहीं, लेकिन आपको अमाउंट जरूर दिखेगा और जीएसटी का अमाउंट भी दिखेगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके।